फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए दोस्तों। मैं हूं जसीम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक विद जसीम। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कहीं सफ़र में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है टिकट। तो टिकट आपको पहले बुक करना पड़ता है, तो ज़रूरी हो जाता है। तो टिकट तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल से ही टिकट को बुक कर लेते हैं। तो बुक करने के बाद बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है और डाउट रहता है मन में कि भाई हम इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा डिफरेंस लगता है, डिफिकल्ट लगता है। IRCTC के थ्रू अगर आप टिकट को बुक किए हैं तो वहाँ से भी आपको डाउनलोड करने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला काफ़ी आसान ट्रिक्स है और काफ़ी सिंपल है, जो कोई भी कर सकता है। बस आपको दो स्टेप फॉलो करना है, जिससे आप अपना PNR नंबर से ही बिल्कुल PDF में आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अपने यात्रा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों ट्रेन का टिकट कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे बुक किया जाता है, IRCTC के थ्रू आप ट्रेन को कैसे बुक कर सकते हैं, IRCTC एप्लीकेशन में आपको क्या नहीं गलती करना है जिससे आपको जेल ना जाना पड़े, इस तरह की बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी वीडियो देख लेना इस वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रेन का टिकट अगर आप बुक किए हैं तो उसे आप PNR नंबर के थ्रू कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल PDF में कर पाएंगे, और ये आपका काफ़ी आसानी है। और फिर आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल करना। Instagram ID को जो नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको नया नया अपडेट मिलती रहती है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें Instagram में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का हेल्प करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे हमारे वीडियो को देखने भाई लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें तो यार सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखने लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें। तो 95+ लगभग ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो देखने लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर लेना ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों कैसे आप अपने टिकट को PNR नंबर के थ्रू कैसे PDF में डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है गूगल में। और गूगल में आने के बाद यहां पर आपको सर्च कर देना है क्यू रेल। सर्च करने के बाद आपका क्यू रेल का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। तो क्यू रेल ऑफिशियल वेबसाइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली से आपको क्या करना है कि आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर किसी का एरो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। डेस्कटॉप सेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है ट्रेन टूल्स के अंदर काफ़ी कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है PNR स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। PNR स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको PNR स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी ट्रेन टिकट आप बुक किए हो उसका PNR नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। PNR नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टेटस, तो गेट स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आपका लाइव दिखाता है, PNR स्टेटस दिखाता है, आपका डेट दिखाता है, और ट्रेन नंबर भी यहाँ पर आपका दिखाता है, और नंबर नेम भी यहाँ पर आपको शो करता है। उसके बाद आपका क्लास क्या है, किस कैटेगरी में है, यहाँ पर आपका सारा कुछ लाइव प्रोसेस दिखाता है। और नीचे यहाँ पर आपको फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको दिखाता है ट्रेन रूट, कि आपके कौन कौन से स्टेशन में आपका ट्रेन कब कब पहुँचने वाला है, ये भी यहाँ पर आपको सारा कुछ लाइव दिखाता है। फ्रेंड्स कैसे आप अपने ट्रेन टिकट को PDF में डाउनलोड कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे आ जाना और यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है प्रिंट का, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रिंट का ऑप्शन मिला है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेज का यहाँ पर आ गया है टिकट का। तो यहाँ पर आपको सिंपली से आप चाहे दोनों पेज को भी डाउनलोड कर पाएंगे या फिर 1 पेज को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रेन का शेड्यूल यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर आपका ट्रेन टिकट है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने से क्या होगा कि आपका यहाँ पर एक ही प्रिंट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक ही को प्रिंट करने वाले हैं, फर्स्ट वाला, जो क्योंकि यहाँ पर मेरा ट्रेन का टिकट है। तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट का फिर से यहाँ पर ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पेज को ही सिर्फ यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में मेरा यहाँ पर टिकट शो कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फाइल में ले आता है, और आप किसमें डाउनलोड करके रखना चाहते हैं या फिर आप बिना फाइल के अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना रीनेम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना रीनेम चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया। अब इसे हम फाइल से और डायरेक्टली ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने अभी 6 जून 2021 यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यहाँ पर हम अपने नेम से PDF को इसको डाउनलोड किए थे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको WPS ऑफिस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ट्रेन टिकट यहाँ पर बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो गया और यहाँ पर आपका सारा कुछ दिखाएगा, आपका क्लास कोटा यहाँ पर सब कुछ लाइव प्रूफ दिखा रहा है और यहाँ पर आपका PNR नंबर भी स्टेटस यहाँ भी आपको दिखा रहा है। तो इसे आप आसानी से डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर पाएंगे आप अपना ट्रेन टिकट को इस तरह से PDF में। तो दोस्तों बस इस तरह से आप सिंपल से आसानी से बिल्कुल PDF में डाउनलोड कर सकते हैं PNR नंबर के थ्रू से। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।